कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को नवग्रह मेला मैदान पर विशाल संकल्प रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों की खचाखच भरी भीड़ को देख गांधी सहित कांग्रेस नेताओं का उत्साह दोगुना दिखाई दिया। देर से आने पर माफी मांगते हुए गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यह नारा धीरे धीरे सुटबुट की सरकार का नारा बना, फिर सुटबुट झूठ और अब सुटबुट झूठ और लूट की सरकार के नारे के बाद चौकीदार चोर है का नारा बन गया है। जनता परेशान है। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया था कि वे चौकीदार बनकर रहेंगे, लेकिन उनकी चौकीदारी में मेहुल नीरव और माल्या देश के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। पीएम केवल उद्योगपतियों के लिए सोचते हैं, गरीबों का पैसा उन्होंने अमीरों को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि अमीरों का नहीं गरीबों का कर्जा माफ होना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय सिंह, बाला बच्चन, अरुण यादव, विजय लक्ष्मी साधो, सचिन यादव, विजय सोलंकी, रवि जोशी आदि नेता मंचासीन थे।